हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 13 एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। और यहाँ हम बात करेंगे, टोटल 18 क्वेश्चन रहने वाले इस लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा सीक्वेंस में रहेगा और पूरा सेशन बाइलिंगुअल रहेगा, चाहे आपका पेपर बाइलिंगुअल आए या आपका पेपर इंग्लिश में आए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अपने आप को क्या पाओगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आपने। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि 1 से 12 लेक्चर आपने लगातार देखे होंगे, तो आप खुद को पता चल रहा होगा। जो लगातार फॉलो कर रहा है वो खुद कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसको कुछ हेल्प लग रही है या नहीं लग रही। सबसे पहले अपने जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले हम एक क्वेश्चन लगाएंगे ये वाला, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे। स्टेटमेंट अबाउट द एजुकेशन साइकोलॉजी में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है? पहला कहता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी डील करता है बिहेवियर ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। दूसरा कहता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है। फिर कहता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, अधिगम के अनुभवों की व्याख्या करता है। फिर कहता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिचुएशन, शैक्षिक मनोपरिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। देखिए, यहाँ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा, मनोविज्ञान के बारे में बात करता तो ये चीजें बहुत परफेक्ट जा रही थी कि हम उनके क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ लर्नर के बारे में पढ़ते हैं। बट यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी वर्ड उसने यूज किया है, तो हमें एजुकेशन वाले फील्ड के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, आप में से कितने लोग 18 में से कितने सही करते हैं, खुद से ट्राई जरूर करना आंसर जानने से पहले। एजुकेशन साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी एस्पेक्ट एजुकेशनल सिचुएशन। ये तो हुआ अपना आज का स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं आज की अपनी जो एक थ्योरी हमें पढ़नी है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद पूरी साइकोलॉजी से क्वेश्चन चलेंगे। अभी 17 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है मूवियर, ठीक है, इसको टू मूव भी लिखते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या मूवमेंट है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन जो किसने दी थी, बी एफ स्किनर ने दी थी, क्या कहा था, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, या अधिगम अभिप्रेरणा या प्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी बोल सकते हो, या राजमार्ग भी लिखा होता है। बी एफ स्किनर ने ये दी थी, आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो आज की अपनी थ्योरी रहेगी, नीड हायरार्की थ्योरी या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। हिंदी और इंग्लिश पूरा बाइलिंगुअल रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो यहां आपसे पूछा गया हेल, मास्लो, एटकिन और थॉमसन। देखिए, मोटिवेशन पे एक मेरे को लेक्चर और लेना पड़ेगा अराउंड 20 मिनट्स का, तब 3 छोटी छोटी थ्योरीज और हैं उनको और डिस्कस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर सबने देख लिया होगा क्या रहेगा, मैस्लो, जिसको क्या बोलते हैं, मैस्लो ने हायरार्की या हम क्या बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक या मानवतावादी का क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी ऑफ फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक या मानवतावादी का पितामह भी कहा जाता है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा, इसका एक साइकिल होता है, उस साइकिल को भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। बेसिकली पता है मोटिवेशन क्या है, भाई हम तुम ये वीडियो देखने आ रहे हो तो इस किसी पर्पज से आ रहे हो, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, एजुकेशन हायर एजुकेशन लेते हैं, ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत ही नॉर्मल सी है ये, ठीक है, कि मतलब एजुकेशन लेने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई चीज हमें लेके जा रही है, वो क्या अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के लिए हमें जरूरत होनी चाहिए, जैसे नीड, आपको सबसे पहले जॉब की नीड है, तो आपको नीड है, उसके बाद आपने ड्राइव किया, चालक मतलब आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोल के आपने सर्च किया, कोई वीडियो आपको पसंद आई कि हाँ यार कंटेंट बढ़िया मिल रहा है तो इसको देख लेते हैं। अराउजल कभी भी क्वेश्चन में नहीं मिलता, मेन आपको मिलेगा नीड, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, आपको याद तो सारे रखने हैं कि आप तक कैसा क्वेश्चन बन जाए। नीड, ड्राइव का मतलब आपने चालक उसकी तरफ बढ़े हो आप, अराउजल, अराउजल को आप हिंदी वर्ड तो मेरे को नहीं याद आ रहा, देख लेना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आप उसी डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो गोल डायरेक्टेड, ठीक है। अचीवमेंट, जिसको उद्दीपन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उपलब्धि भी बोल सकते हैं, इंसेंटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। और जैसे ही हम जो काम करने लगे थे, हमें जॉब मिल गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा अराउजल में, जो हमारे अंदर जो एक आग लगी थी, जुनून था, वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आप पीजीटी लग जाओगे, आप सोचोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब यहां देखिए, जो मैस्लो है उन्होंने 5 स्टेप बताए, बेसिक नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन विच सेट ऑफ नोट गिवन बाय मैस्लो। अब ये जो इसके लेवल है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और ऐसे याद कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। मास्लो ने 5 दिए थे, एनसीईआरटी में 5 है, फिर उसके अंदर क्या किया, मॉडिफाई किया गया है, अब 8 लेवल है, बट आंसर आपको 5 देना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर 5 है, होते 8 है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जैसा आए उसी हिसाब से आपको टैकल करना है। अभी ये आपको समझ नहीं आए होंगे, या जिसने पढ़ रखा वो कर भी लिया होगा, पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसको बता देता हूं ब्रीफ में फटाफट से। आप कहोगे हायरार्की थ्योरी, इन्होंने क्या क्या, 2 टाइप की नीड होती है, एक तो डेफिशिएंसी नीड होती है जिसको अभाव बोलते हैं, एक वृद्धि या ग्रोथ या बींग नीड होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले देख सकते हो। भाई मैस्लो कहता है कि सबसे जरूरी जो नीड है ना, वो क्या होती है, शारीरिक मांग या आवश्यकता, उसके बाद आती है सुरक्षा की, उसके बाद आती है स्नेह प्यार की, उसके बाद आती है किसी के अंदर सम्मान की, और उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
क्या सर कुछ नहीं समझ आया? देखो फूड सेफ्टी सबसे पहले ये कहता है कि इस डायग्राम को देखो, इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैस्लो जो है वो ये मानते हैं कि सबसे पहली जो जरूरत है ना वो बंदे की क्या है, भूख, हवा, पानी, जो बेसिक नीड है, यहां से आप देख सकते हो। जब उसकी वो नीड पूरी हो जाएगी तो फिर उसको क्या चाहिए होगा, सेफ्टी, स्टेबिलिटी। भाई आपको जॉब चाहिए, आपको बुढ़ापा पेंशन चाहिए, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, आप जॉब लग रहे हो उसके बाद आप हट जा रहे हो, तो आपको आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लॉ होने चाहिए, ठीक है, समाज के अंदर। उसके बाद आती है सोशल नीड। जो दो नीड आपकी पूरी हो जाएगी, पहली कौन सी, जो अपनी बेसिक नीड है, उसके बाद अपने को सेफ्टी भी चाहिए भैया, अपने को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तीसरे नंबर पे अपने को क्या चाहिए, सोशल नीड, प्यार, लव, ठीक है, ये वाला, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, एफिलेशन, लव, बिलोंगिंगनेस, दोस्त, घर परिवार, ये चाहिए थर्ड नंबर पे। सबसे पहले भूख प्यास, उसके बाद सेफ्टी, भाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो कि एक बार लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद शादी, इससे याद रख लेना। थर्ड स्टीम, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन, आपकी पावर, मतलब आप किस पद पे हो, पद को याद रख लो भाई, आपका एक वो सेल्फ स्टीम होता है ना अंदर से, स्टीम नीड, हम चाहते हैं कि अपनी रेपुटेशन हो समाज के अंदर। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहां तक तो बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, जिसके अंदर एक मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक इसको और एक इसको, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि मैंने ब्यूटी और इसको क्यों किया, ठीक है। ये एक सेल्फ फुलफिलमेंट होती है भाई, एक अचीवमेंट इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में नहीं आया हमें, तो आप यहां से देख सकते हो, फूड के अंदर हमारा बेसिक पे सैलरी, सिक्योरिटी के अंदर हम क्या चाहते हैं, मैं यहां तो तुम बेसिक सैलरी की जगह ये लिखो कि बेसिक नीड अपनी जो होती है वो, ठीक है। बिलोंगिंगनेस, फ्रेंड्स, एट वर्क, स्टीम, जॉब टाइटल, आपका जो रेपुटेशन है समाज के अंदर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब चैलेंजिंग जॉब अचीवमेंट, ठीक है। अब एक बात देखना, ये जो है ना मैंने आगे स्लाइड में लिख भी रखा होगा, अब आप इनको ब्रीफ में भी देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश वाले, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा एक एक को, मैंने मेन आइडिया आपको दे दिया है। जैसे सबसे पहली नीड कौन सी है, फिजिकल एंड बिलोंगिंग्स, जिसके अंदर एयर, वाटर, पानी, शेल्टर, ये सारी आती है। दूसरी सेफ्टी नीड, जिसमें अपने को सुरक्षा, लॉ, स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी, ये चाहिए। अब यहां तक जो ये डेफिशिएंसी नीड है ना, ये यहां तक है, ठीक है। इससे ऊपर जो चार लेवल है ना वो डेफिशिएंसी नीड है। इनमें क्या होता है कि मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है जैसे ही अपनी आवश्यकता पूरी होती है। और जो लास्ट वाला लीड है, जो लास्ट वाला लेवल है, उसके अंदर जो नीड है अपनी वो क्या हो जाती है, पूरी होने से मोटिवेशन बढ़ता है। तो मैंने ये एरो लगा दिया, या मोटिवेशन इंक्रीज होता है एज द नीड कंप्लीटेड। सी का मतलब कंप्लीटेड, जैसे ही नीड अपनी कंप्लीट हुई मोटिवेशन अपना बढ़ जाता है, किसके अंदर, ग्रोथ नीड के अंदर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। अब सर आपने तो पांच की जगह आठ लेवल बताए थे, वो तीन लेवल और कौन से हैं, उनको निकाल के लाओ फटाफट से। ये चार लेवल आपने देख लिए होंगे, सबसे पहले अपने भूख प्यास, उसके बाद अपने को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में जॉब लगेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, मतलब प्रेम प्यार आएगा, और उसके बाद आत्मसम्मान, तुम कौन सी पोस्ट पे हो, आज तुम मान लो पीजीटी में हो, तुम कल को चाहोगे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे, तुम चाहोगे कि मैं वाइस चांसलर बन जाऊं यूनिवर्सिटी का, तो मतलब ये अपनी क्या रहेगी, जो संतुष्टि है वो कभी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जो इन्होंने सिक्स्थ मॉडल, अब मैं याद बता रहा हूं तीन कौन से नए जोड़े थे वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो फिजियोलॉजिकल नीड मतलब भूख प्यास वाली तो वही थी, सेफ्टी वाली भी वही थी, बिलोंगिंग वाली भी वही थी, एस्टीम वाली भी वही थी, मतलब चार लेवल में कोई चेंजेज नहीं किया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो ये था, इसको तो ऊपर लेके और बीच में दो ऐड कर दिए, कौन कौन से, नीड टू नो अंडरस्टैंडिंग और एस्थेटिक। क्या मतलब है, नीड टू, जो अपना फिफ्थ नंबर पे कौन सा किया, कोग्निटिव नीड, या नीड टू नो अंडरस्टैंड, दूसरे को समझने, ज्ञान, नॉलेज, मीनिंग और साइंस वाले को किया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसको, सौंदर्य को, बहर को क्या जाता है, सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म, एप्रिसिएशन, की मुझे एप्रिशिएट मिले, ये आ सकता है एक टाइप की, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सातवें नंबर पे किसको है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमने देख लिया, व्यक्तिगत गुणों की पहचान करना, और श्रेष्ठता सबसे ऊपर कर दिया, ट्रांसडेंस, इसको याद रख लेना, टी क्या कर दिया, सबसे ऊपर, उससे पहले जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था पांच वाले को कहां भेज दिया, सात पे, पांच को कहां भेज दिया, सात पे, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसडेरेंस, मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा आपको, याद तो रखना पड़ेगा दोस्तों, पांच एनसीईआरटी वाले तो आपको याद होने चाहिए, ये वाले तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी आप तीन याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मैंने आपको डिटेल में हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट बता दिया है, थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं है, तीन तो पहले तीन में तो कुछ भी नहीं है, भूख प्यास, ठीक। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कीजिएगा। अच्छा एक बात और देख लीजिएगा, इसका क्रिटिसाइज हुआ था, इसका क्रिटिज्म मतलब क्रिटिसाइज मैस्लो को किस बात के लिए किया गया, कि कहा गया यार मैस्लो कहता है कि सबसे पहले ये जरूरी है, जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तो ऊपर वाले लेवल पे बंदा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मान लो किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, सपोज करो, ठीक है, अगर मान लो उसको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है और उसको बोल दे कि आपको भीख मांगकर खाना है, वो कहेगा भाई मेरे तो सम्मान की बात है, मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। तो इसका मतलब मैस्लो के अकॉर्डिंग तो क्या था कि भूख है तो वो ऊपर सम्मान या स्टीम के बारे में सोच ही नहीं सकता, आत्म सम्मान या अपनी रेपुटेशन के बारे में।
तो ये इसका क्या था, एक आलोचनात्मक तथ्य था, या हम ये बोल सकते हैं इनको क्रिटिसाइज किया गया इस बात के लिए। किस बात के लिए? कि ये कह रहे थे कि पहले, सबसे पहले नीचे वाला लेवल की नीड कंप्लीट होगी, फिर ऊपर वाली नीड की हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए सम्मान ज्यादा जरूरी हो सकता है एज कंपेरिजन टू भूख। वो कहेगा मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। क्लियर है यहां तक की बात? मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। मैस्लो ने 5 सेट बताए, उसमें देखो सबसे पहले सेफ्टी नीड कौन से नंबर पे था, तुम खुद बताओ सेफ्टी नीड कौन से था। तुम कहोगे सर सबसे पहले था बेसिक नीड वाला, उसके बाद सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड का मतलब हम स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, तो ये था दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे तुम क्या चाहते थे, बिलोंगिंग है, लव। पहले तुम स्टेबिलिटी लाते हो लाइफ में, और उसके बाद क्या चाहते हो, प्यार, लव, मोहब्बत, ठीक है। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सा था, 5वें नंबर पे था। अचीवमेंट एक अलग थ्योरी है अचीवमेंट नीड वाली, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएगी। ये वाला मैस्लो के अंदर है नहीं था, मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस टिक मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं, क्योंकि काफी आपने, ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर किसी को लगता है तो थोड़ा स्लो कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम खराब करूं। इतनी ही चीज को करवाने के लिए लोग 1.5-2 घंटा 1 घंटे की क्लास ले लेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, फटाफट से, एग्जाम का टाइम कम है तो आप फटाफट से क्या करो, रिवाइज ही करना। एक टाइप से आप ये बातें सुन लोगे तो भी क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोटिवेशन, मोटिवेशन से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा गलत है। तो हमें क्या कहता है, पहला कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ये तो बात सही है भाई, हम किसी चीज को कर रहे हो तो तुम बिल्कुल एकदम गोल ओरिएंटेड हो पीजीटी जॉब के लिए, ठीक है। मोटिवेशन बिहेवियर डज नॉट कंटिन्यूटी, नियंत्रता नहीं होती। क्या नियंत्रता नहीं है तुम्हारे लाइफ, जब अभी तुम मोटिवेटेड हो पीजीटी के लेके, क्या तुम नियंत्र क्लास या नियंत्र पढ़ाई नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। नेचर ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर इज रिजिड, तो रिजिड नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल बहुत से कारक हो सकते हैं मोटिवेशन के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि हमारे अंदर से जो जन्मजात है, भूख है, प्यास है मोटिवेशन के लिए, और जो एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक है, एक्सटर्नल हम बोलते हैं उनमें क्या आ जाएगा, जैसे पैसा, आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, आपको कोई प्रशंसा कर रहा है, मतलब आपकी प्रेज कर रहा है, किसी चीज के लिए बोल दिया शाबाश बहुत बढ़िया, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिल रही है, वो क्या है, एक्सटर्नल है। मोटिवेशन डज एनर्जी चेंज इन ह्यूमंस, बिल्कुल आप बिल्कुल ही नीरज से पढ़े और आपको दो बंदे ने ये कहा यार तू तो एग्जाम क्रैक कर सकता है एकदम से, तेरे में तो ये टैलेंट है, तो आप में एक अलग ही एनर्जी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, चेंज एनर्जी का परिवर्तन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे बोला गया है इनटेट, मतलब जन्मजात आप में कौन सा मोटिव है। मोटिवेशन से पहले क्या आएगा, मोटिव, देखिए मोटिवेशन एक ब्रॉड चीज है, उसके अंदर आपका गोल भी आ जाएगा, नीड भी आ जाएगी, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, मतलब एक मोटिवेशन के अंदर के एस्पेक्ट है ये सारे। तो आपसे पूछा गया है कि जन्मजात वाला कौन सा, देखो हंगर बताओ क्या है, हंगर क्या है, प्रोत्साहन, इंसेंटिव, जन्मजात कौन सा है। देखो कोई अवार्ड आपको दे रहा है तो वो भारी है, ठीक है, आपको जन्मजात अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है। पुनिशमेंट आपको मिल रही है तो वो भी भारी है, ठीक है, एक्सटर्नल है। इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है, ठीक है भाई, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, या कोई जैसे जॉब में है तो पैसे भी, आपने काम बढ़िया किया तो इसके लिए 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा। हंगर जो भूख है वो अपना क्या आ जाएगा, जन्मजात इंटेट मोटिव हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो नीड ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट फ्रॉम, ये सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक छोटा था पहले भी, अगर लगातार कोई लेक्चर देख रहा होगा तो आपने पता भी होगा क्या था। अभी हमने सर्कल देखा था, सबसे पहले नीड थी, उसके बाद ड्राइव थी, ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं ये वाला हमने देख ही लिया था अभी, नीड, ड्राइव, अराउजल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमोशंस नहीं होता, नीड भी होता है, ड्राइव भी होता है, इंसेंटिव होता है, अंतर्नोद भी बोलते हैं ड्राइव को, चालक भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और इंसेंटिव नहीं होता, इंसेंटिव होता है जिसको हम अचीवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, अचीवमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इंसेंटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको इसी सिक्वेंस में चलना है, एस एन डी और आई, ठीक है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहा, NDI, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, जन्मजात नहीं है, देखो हंगर, रेस्ट, थ्रस्ट, ये सारे के सारे क्या है, जन्मजात है। सेफ्टी क्या है, जन्मजात नहीं है। क्वेश्चन को आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको हर लेक्चर में बोला है कि एक कोई ना कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको जरूर टपकेगा, चाहे वो किसी से आ जाए, रुचि से आ जाए, एटीट्यूड से आ जाए, एप्टीट्यूड से आ जाए, कुछ ऐसा। इंटरेस्ट इज लेटेंट, लेटेंट मतलब जो अंदर छुपी हुई है। अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन, क्या कहता है कि रुचि है वो गुप्त हुआ है, ठीक है, अवधान, रुचि गुप्त हुआ अवधान है, कि इंटरेस्ट जो है वो लेटेंट अटेंशन है, एंड अवधान जो है वो रुचि का क्रियात्मक रूप है। दोनों चीजें ध्यान से समझना, याद करने का तरीका बढ़िया है। इंटरेस्ट जो है वो लेटेंट अटेंशन है, जबकि अटेंशन जो है वो इंटरेस्ट, रुचि इन एक्शन है, कि आप रुचि आपकी किसी चीज को करने में क्या है। ये किसने कहा था,
मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था? मैकडूगल ने। याद रखना दोस्तों, दो बार रिपीट कर देता हूं ताकि याद हो जाए, ठीक है। मैकडूगल किस क्या कहा? इंटरेस्ट जो आपका है, रुचि है, वो अटेंशन, लेटेंट अटेंशन है, और अटेंशन है वो क्या है? इंटरेस्ट इन एक्शन है, मैकडूगल ने ये कहा था। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से हम बढ़िया से करते हैं। इस क्वेश्चन का कितने लोग आंसर सही कर पा रहे हैं? लर्निंग जो है वो ग्रेजुअली नॉट इनसाइटफुल, इनसाइटफुल थ्योरी किसने दी पहले तो ये बताओगे तुम? इनसाइटफुल थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में करोगे, कितने लोग करते हैं? मैं देखता हूं कमेंट, अगर रिप्लाई नहीं कर पाता तो भी नोटिफिकेशन तो आती है ना मेरे पास, ठीक है। कई बार है कि टाइम नहीं मिलता इंडिविजुअल करने का, पर आप कमेंट जरूर किया करो जिस क्वेश्चन को जो आपको दिया हो, ताकि ऐसा पता चले कि आप भी सीरियस हो थोड़े। जितना आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है आप उतना करोगे तभी देखो आपको फायदा होगा, ठीक है। इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है वैसे। दिस इज द रियलिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, किसने कहा था कि जो अधिगम है वो धीरे धीरे होता है, लर्निंग जो है वो धीरे धीरे होती है ना कि एकदम से, कि कौन से साइंटिस्ट थे? इन्होंने सोच लिया होगा, आंसर दे लिया होगा, मैं बता देता हूं। ये था किसका? E.L. Thorndike, जो ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या होती है? धीरे धीरे होती है ना कि एकदम से। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लर्निंग, कौन सी लर्निंग से रिगार्डिंग गलत है, इनकरेक्ट पूछा है अधिगम के संदर्भ में। देखो लर्निंग से क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग बनते हैं, हर क्लास में मेरी कोशिश रहेगी एक दो क्वेश्चन लर्निंग के, एजुकेशन से एक दो, आपको आप लगातार देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन से पता भी चल रहा होगा कि एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ताकि आपको पूरा हर चीज आपके दिमाग के सामने से निकल जाए। चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। सबको पता है कि अभ्यास करोगे तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, कहता है कि मैच्योरिटी के साथ आपके बिहेवियर में चेंज आता है। अगला कहता है कि नवीन व्यवहारों का अर्जन होता है, लर्निंग की वजह से क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, अगर आप अधिगम कर रहे हो तो कुछ नया एक्वायर कर रहे हो, ये बात तो कंफर्म है आपके बिहेवियर में। परमानेंट चेंज होते हैं इन बिहेवियर, बिल्कुल, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। तो होता क्या नहीं है? होता ये नहीं है कि परिपक्वता, भाई आपने लर्निंग कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि आपके जो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी परिपक्वता की वजह से चेंज नहीं होता, लर्निंग और परिपक्वता में अलग अलग है। आ रही बात समझ? मतलब जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है ड्यू टू मैच्योरिटी, परिपक्वता के कारण, कहते हैं ना मैच्योर हो गए, तो उसका और लर्निंग का नहीं है ये, बाकी तो सारे आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत बार कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है, दो बार तो आज ही आ जाएगा मेरे ख्याल में ये मैच्योरिटी वाला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है आगे बढ़े। इसके बाद पूछा है नोट ए टाइप ऑफ लर्निंग इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक कौन सा प्रकार नहीं था? परंपरागत मतलब पहले के टाइम में, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक होता था, भावनात्मक होता था और साइकोमोटर होता था। मैकेनिकल या यांत्रिक, यांत्रिक लर्निंग जो थी वो पहले नहीं हुआ करती थी, मतलब ओल्ड टाइम में। अभी ऐसे सोच लो ना तुम कि मशीनों का काम कब से स्टार्ट हुआ है? डिजिटलाइजेशन अभी हो रहा है, मशीनें ज्यादा अभी आ रही हैं, पहले जो काम हाथ से होते थे वो अब किससे हो रहे हैं? मशीनों से हो रहे हैं। मैकेनिकल लर्निंग इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों क्या है? इसके पार्ट है ट्रेडिशनल लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द एवरीथिंग वी नो इज लर्न, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। भाई हम जो जानते हैं वो सब अधिगम है, क्या ऐसा है कि जरूरी है? व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव, ए रिलेटिव परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर नॉलेज एंड स्किल। परमानेंट, इस वर्ड को आपको याद ही रखना है, लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। क्या तुम मेरे को देख के ये बता दोगे, ऑब्जर्व कर लोगे कि कितना लर्निंग किया है? भाई तुमने 2 किलो लर्निंग किया, तुमने 1 किलो लर्निंग किया, तुमने 3 किलो, ऐसे बता देते हैं क्या हम देख के? नहीं बता सकते। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, लर्निंग को देख के नहीं बता सकता मैं कि इस बंदे ने 4 किलो लर्निंग किया, इसने 2 किलो या इसने 1 दर्जन लर्निंग किया, ऐसा नहीं होता। लिमिटेड टू एज लेवल, विशिष्ट आयु तक सीमित होती है। क्या लर्निंग कभी भी नहीं की जा सकती क्या? अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी कर रखा है ना कि जिसने पहले स्कूल छोड़ दिया था उसको सेम क्लास में बिठाएंगे वो लर्निंग करेगा, अधिगम होगा। अरे बात समझे, तो ऐसा थोड़ा ना कि एज के साथ भाई आप 15 साल तक अधिगम कर सकते हो उसके बाद अधिगम नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। तो लर्निंग क्या है? ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर नॉलेज एंड स्किल। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ग्रोथ के बारे में नोट करेक्ट टू ग्रोथ, अब देखो ग्रोथ डेवलपमेंट ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मुझे पता है कौन सा टॉपिक करवाना है, कहां से क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे आपको एक ही वीडियो में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज है, सबको पता है कि हाइट बढ़ रही है तो ग्रोथ तो क्या है? क्वांटिटेटिव है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में तो गुण होते हैं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव में मात्रा के रिलेटेड होता है। अब ग्रोथ का मतलब है
कि क्वालिटी क्वांटिटेटिव लंबाई आपकी कितनी है, चौड़ाई आपकी कितनी है, वेट कितना है। चेंज इन द फंक्शनल एफिशिएंसी ड्यू टू ग्रोथ, वृद्धि के कारण कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन होता है। क्या ऐसा होता है क्या, तुम मानते हो क्या भाई तुम्हारी हाइट बढ़ गई, मान लो हाइट बढ़ गई और तो तुम मैथ के सोल्व फटाफट से कर दोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्या किसी काम को करने की? भाई आपके मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे आप, ठीक है, ये 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, और आपकी एक साल बाद आपकी हाइट बढ़ गई, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, देखते हो आप किसी की एक्सेप्शनली एकदम ज्यादा हाइट बढ़ जाती, मान लो हाइट बढ़ गई तो वो क्या अब क्या उसके क्वेश्चन करने का तरीका या उसकी एफिशिएंसी में फर्क आएगा? तो एफिशिएंसी और ग्रोथ से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नोट, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर परिपक्वता। आपने देखा होगा कि लंबाई वो है एक टाइम के बाद बढ़ जाती है, रुक जाती है, ठीक है, मतलब आपका जो वेट हाइट है वो बढ़ना है, वेट तो हम नहीं कह सकते, हाइट का बोल सकते हैं, तो कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो रुक जाते हैं, तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये भी करेक्ट है। यूजुअली ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट बट नॉट ऑलवेज, ग्रोथ जो है वो विकास के अंदर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट के अंदर विकासात्मक जो अपना प्रभाव होता है उसके अंदर तो हेल्प करती है पर हमेशा नहीं करती, ये वाला नॉट ऑलवेज, इसकी वजह से ये भी क्या हुआ है, ठीक हुआ है, करता है उसका रोल होता है क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं है कि हर एस्पेक्ट में करेगा कि आपका डेवलपमेंट जिस चीज में, मान लो आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, तो दौड़ लगा रहे हो तो उसके अंदर आपकी हाइट डिपेंड करती है, हाइट आपकी कितनी है, तो वो क्या है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है पर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही करता है। तो आपको इसके बेसिस पर आप इसका राइट आंसर करोगे। सेकंड, जो फंक्शनल एफिशिएंसी वाला, आप समझ ही गए होंगे कि एफिशिएंसी बढ़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है ग्रोथ बढ़ने से, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अपने सामने, अध्यापक के द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने में विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? टू यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, बिल्कुल है, हमें टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया से यूज करना चाहिए ताकि आपको समझ आए। टू यूज द नॉलेज ऑफ द इंटरेस्ट इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का तो फोकस करना ही है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। टू मेंटेन द पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, बच्चे को बिल्कुल गर्दन ऐसे नहीं लाने देनी, ऐसा करना है क्या, नहीं करना। इसी बार मैं आपको पहले भी एक दिन थोड़ा सा बताया था कि एनवीएस के इंटरव्यू में इसी बार मुझसे यही पूछ लिया था कि क्लास में आप अगर प्लस टू के क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप कैसे इंगेज, मतलब उनको करोगे भाई, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने कह दिया कि सर ऐसे मतलब यूट्यूब पे क्लासेज ले लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर वो पूछने लग गए कि मतलब क्या होता है, मतलब कैसे क्लासेज लेती हैं, उन्होंने चैनल वैनल भी देखा। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि मतलब अब तो आप ऑफलाइन पढ़ाओगे स्कूल में, तो एनवीएस में आओगे तो यहाँ ऑफलाइन पढ़ाओगे, बच्चे आपके सामने होंगे, तो बच्चे अगर सामने है तो आप कैसे मतलब है उसमें और इसमें क्या फर्क लेगा? तो मैंने कहा सर सिंपल सी बात है कि मतलब अगर बच्चे सामने और एक ऑनलाइन है तो बहुत फर्क होता है। अब क्लास में अब मेरे सामने कोई मान लो वीडियो देख रहा है तो मैं उससे दो बार पूछूंगा कि बच्चा समझ आ रहा है आपको, मैं भी वो रिस्पॉन्स करे या ना भी करे वो बच्चे की डिपेंड करता है। अगर वो क्लास में मेरे सामने है तो मैं उसके बिहेवियर उसकी एक्टिविटी को देख के भी समझ सकता हूँ कि ये सामने वाले बच्चे को ये चीज समझ आ रही है, चाहे वो खुद से ना बताए तो भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि सामने वाले बच्चे को ये मेथड समझ नहीं आ रहा। उसके हाव भाव से अपने को पता चल जाएगा कि वो मेंटली यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, फिजिकली तो वो बैठा है पर मेंटली है या नहीं है, तो इस टाइप का मैंने दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि मतलब एक ही वर्ड में अगर आपको बताना हो तो कैसे बताओगे, मतलब कौन सा वर्ड यूज करोगे, डिसिप्लिन यूज करोगे, इंगेज वर्ड यूज करोगे, तो डिसिप्लिन वाला नहीं होगा, क्या होगा, इंगेज रखना है हमें बच्चों को, तो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, रिलेटिव न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रीवियस नॉलेज, तो ये वाला भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला, क्या पूछा था, उपयुक्त तरीका नहीं है पिन ड्रॉप वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये वाला टॉपिक करवा चुका हूं एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं कोशिश करना उनके आंसर भी आप दो। कैसा लगा सेशन ये जरूर बताना। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 के अंदर।